नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं एक नया कोर्स लेकर आया हूँ जिसमें हम जगमोहन बलोखरा की जो नई किताब है, आपको पता ही होगा, जो बड़े वाली, उसको हम कवर करेंगे। इसका जो चैप्टर 1 होगा, द ब्यूटीफुल लैंड, उसे आज हम कवर करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 रहेगा, ये इसका पार्ट 1 है। इसके और भी पार्ट होंगे, 2-3 और, जिसमें हम बाकी टॉपिक कवर करेंगे। इस टॉपिक में जो हम कवर करने वाले हैं टॉपिक्स, उनके नाम इस प्रकार हैं। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, जो जोग्राफी है हिमाचल प्रदेश की वो कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उससे। लेक्स हम इसमें कवर करेंगे, रिवर सिस्टम, ग्लेशियर, वैली, पीक्स, पासिस और हॉट वाटर स्प्रिंग, ये सारे टॉपिक्स हम यहाँ कवर करने वाले हैं। आज की बात करें तो आज हम इसमें जो कवर करेंगे, इसमें 2 टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। एक हम करेंगे जोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, दूसरी हम करेंगे लेक्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं हिमाचल प्रदेश के ये कोर्सेज डालता रहूँगा, लेक्चर डालता रहूँगा, डायरेक्टली आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए करें आज की वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ट्रांसवर्स जोन इन द हिमालयस। तो देर आर 3 ट्रांसवर्स जोन इन द हिमालयस। 3 ट्रांसवर्स जोन हमारे हिमालयस में है। कौन कौन से है? वेस्टर्न हिमालयस, सेंट्रल हिमालयस और ईस्टर्न हिमालयस। इन हिमालयस की बात करें तो आपको मैं ग्राफ की तरफ दिखा दूँ कि जो हमारा वेस्टर्न हिमालयस है, ये रहा ग्राफ में, इसमें हमारा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ये जो 2 है ये हमारे वेस्टर्न हिमालयस में आते हैं। आप देखो, एग्ज़ाम में भी पूछा गया है क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश कौन से हिमालयस में पाया जाता है या कहाँ पर है, तो वो है हमारा वेस्टर्न हिमालयस, और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों वेस्टर्न हिमालयस में है। सेंट्रल हिमालयस की बात करें तो ये उत्तराखंड में है, और जो ईस्टर्न हिमालयस है, ईस्टर्न हिमालयस में हमारे नेपाल, भूटान, तिब्बत, चाइना, ये सारे एरिया हमारे किस में आते हैं? ईस्टर्न हिमालयस में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न हिमालयस में कौन कौन से आते हैं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। सेंट्रल की बात करें तो उत्तराखंड, ईस्टर्न की बात करें तो चाइना, नेपाल एंड भूटान, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, ये जो भी हमारे ईस्टर्न फ्लोइंग एरियाज है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विच स्टेट इज इन द वेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के वेस्ट में कौन सी स्टेट लगती है? तो वो है हमारी पंजाब। कौन सी है? पंजाब। इसको मैं ग्राफ के थ्रू बता दूं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। स्टेट पूछ लेते हैं कौन सी स्टेट हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है, तो मैं टोटल बता दूं तो 6 स्टेट हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। कौन कौन सी? नॉर्थ में बात करें तो जम्मू कश्मीर, वेस्ट में करें तो पंजाब, साउथ में करें तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये दोनों साउथ में हमारी लगती है हिमाचल प्रदेश से। साउथ ईस्ट में हमारी उत्तराखंड लगती है, और ईस्ट में हमारी कौन सी लगती है? तिब्बत। तो दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी साइड में हमारी कौन सी स्टेट लग रही है, कि साउथ में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, नॉर्थ में, साउथ ईस्ट में, ये सारी पोजीशंस आपको पता होनी चाहिए। बात करें नॉर्थ और ईस्ट लॉन्गिट्यूड की, तो नॉर्थ लैटिट्यूड हिमाचल प्रदेश का 30° 22' टू 33° 12' है, और ईस्ट लॉन्गिट्यूड 75° 47' टू 79° 4' है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए वीडियो को अंत तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इसे। विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट डू नॉट फॉल इन अ शिवालिक हिल्स या शिवालिक हिमालयस। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि जो हिमाचल प्रदेश की टेरिटरी है वो 3 जोन्स में बांटी गई है। कौन कौन सी? शिवालिक हिमालयस, और जिन शिवालिक और आउटर हिमालयस, इनर और मिड माउंटेन्स, इनर हिमालयस और मिड माउंटेन, और तीसरा है ग्रेट अल्पाइन जोन। तो इसमें बात करी थी कौन सा शिवालिक हिल्स में नहीं आता, तो हमारा शिमला नहीं आता है। वो कैसे? ये ग्राफ के थ्रू आपको ज़्यादा पता लगेगा। तो दोस्तों, इसमें मैंने ग्राफ शो किया गया है, किया हुआ है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर। तो ये जो हमारा शिवालिक हिल्स है, शिवालिक हिल्स की बात करें तो ये चंबा से शुरू होता है, ये आपको बता दूँ मैं, इस तरह से है ये। चंबा के लोअर पार्ट से ये शुरू हुआ, उसके बाद एक कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, सोलन एंड सिरमौर, इन सारी जगह पे होते हुए ये सारे जितने भी एरिया ये हमारे किस में आते हैं? शिवालिक और आउटर हिमालयस में। इनर हिमालयस की बात करें तो इसमें शिमला आता है, शिमला होते हुए ये गई, अब इसकी बता दें आपको क्लियरली बताऊँ तो ये हमारी शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा का मिडल पार्ट, कांगड़ा का पूरा, चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला, ये सारे किस में आते हैं? इनर हिमालयस और मिड माउंटेन में। अगर बात करें अल्पाइन जोन और ग्रेटर हिमालयस की, तो इसमें किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा का जो लेटेस्ट बचा हुआ पार्ट है, अपर पार्ट, वो सारा किस में आता है? अल्पाइन जोन, ग्रेटर हिमालयस में। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इससे आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो भी आपसे
इनके बेस पे पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश इज़ लोकेटेड इन विच हिमालयस, तो हिमाचल प्रदेश कहाँ लोकेट करता है, वेस्टर्न हिमालयस में। ये मैंने आपको अभी बताया ही था कि ये कहाँ लोकेट करता है, डेट इज़ इन वेस्टर्न हिमालयस। उसके बाद शिवालिक हिल्स, शिवालिक हिल्स को और क्या बोलते हैं, आउटर हिमालयस भी बोलते हैं शिवालिक हिल्स को, इनर हिमालयस बोलते हैं मिड माउंटेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, शिवालिक हिल को हम मानक पर्वत भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मानक पर्वत। और यहाँ 1500 से 1800 मीटर के मिलीमीटर 1500 से 1800 मिलीमीटर के अराउंड बारिश होती है शिवालिक हिल्स में, ये आपको पता होना चाहिए। और जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है, बात करें हिमाचल प्रदेश के टोटल जोग्राफिकल जोग्राफिकल एरिया का 30% जो एरिया है वो कौन कवर करता है, हमारा शिवालिक हिल्स। 30% हमारा हिमाचल प्रदेश का एरिया शिवालिक हिल्स कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच हिमालयन रेंज फॉल इन द इनर हिमालयज और मिड माउंटेन, कौन सी रेंजेस हमारी इनर और हिमालयज और मिड माउंटेन में आती है, तो वह पीर पंजाल और धौलाधार रेंज। पीर पंजाल हमारी चंबा में है, धौलाधार हमारी कांगड़ा में है। ये इसमें कांगड़ा, चंबा, कुल्लू और मंडी, ये यहाँ तक फैली हुई है इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स में, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। धौलाधार को हम मोलक पर्वत भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोलक पर्वत। मानक पर्वत बोलते हैं आप शिवालिक को, और मोलक पर्वत बोलते हैं धौलाधार रेंज को। बाकी बात करें जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, तो जो हमारा इनर हिमालयज है ये हमारे 10% एरिया कवर करते हैं ऑल ओवर हिमाचल का, कितना 10%। तो डैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, इसलिए मैं वन लाइनर के बेस पे सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। वीडियो में अंत तक बने रही है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसके अलावा आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। द फेमस जांसकर रेंज, ये कौन सी रेंज है हिमाचल प्रदेश की, तो ये हमारी ईस्टर्न मोस्ट रेंज है, ये हमारी सेपरेट करती है स्पीति और किन्नौर को किससे, तिब्बत से, जो चाइना में है। वो आपने मैप में देख लिया होगा वहाँ पे कि किस तरह से ये वर्क करती है, ईस्टर्न मोस्ट रेंज कहते हैं जांसकर रेंज को। विच हिमालयन जोन हैज़ कवर्ड 36% ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो जो हिमालयन जोन है कौन सा है जो सबसे ज़्यादा 36% एरिया कवर करता है हिमाचल प्रदेश का, तो वो है हमारा ट्रांस हिमालयन जोन, जो हमारा ग्रेटर हिमालयन जोन में, ग्रेटर हिमालयज और अल्पाइन जोन में आता है, ट्रांस हिमालयन जोन ये उसमें आता है लास्ट वाले में, जिसकी हाइट 4500 मीटर से अबव है, तो 36% एरिया है कवर करती है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज़ द एवरेज रेनफॉल इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में एवरेज रेनफॉल कितनी होती है, तो वो अराउंड 152 सेंटीमीटर के अराउंड होती है, जो एवरेज रेनफॉल होती है हिमाचल प्रदेश में ऑल ओवर हिमाचल में 152 सेंटीमीटर होती है। हाईएस्ट रेनफॉल की बात करें तो ये धर्मशाला कांगड़ा का है, कांगड़ा में, धर्मशाला में सबसे ज़्यादा होती है 3400 मिलीमीटर के अराउंड। लोएस्ट की बात करें तो लाहौल स्पीति, जहाँ 50 मिलीमीटर के अराउंड बारिश होती है, मतलब यहाँ ना के बराबर बारिश होती है, बहुत ही कम, क्योंकि यहाँ मोस्टली स्नोफॉल ही होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूछ लेते हैं आपसे, हाईएस्ट और लोएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है, ओवरऑल भी जो आपको पूछना हो तो वो भी पता है आपको। चंबा डिस्ट्रिक्ट इज़ कवर्ड इन विच जोन, बात करें तो इसमें डिस्ट्रिक्ट चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा गया कि कौन से जोन में ये कवर करती है अंडर क्लाइमेट में, तो चंबा हमारा कौन कौन से क्लाइमेट जोन में आता है, एक तो वेट सब टेम्परेट जोन में भी आता है, ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन में भी आता है, और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में भी आता है। इसको आपके ग्राफ के थ्रू से बताऊँ तो इस ग्राफ को आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसमें सारी डिटेल्स है आपके सामने। जो हमारा वेट सब टेम्परेट जोन है इसमें हमारा पालमपुर और धर्मशाला आता है, कांगड़ा का एरिया, बाकी मंडी चंबा इसमें आता है। ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन की बात करें तो कुल्लू शिमला मंडी सोलन चंबा और कांगड़ा सिरमौर, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन में। ड्राई टेम्परेट की बात करें तो लाहौल स्पीति और किन्नौर इसमें आता है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन की बात करें तो बिलासपुर मंडी सिरमौर चंबा सोलन और कांगड़ा हमीरपुर, ये सारे ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में आते हैं। सब ह्यूमिड की बात करें तो ऊना सिरमौर और कांगड़ा, ये तीन डिस्ट्रिक्ट हमारी इसमें आती है। तो दोस्तों प्लीज़ आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं आगे लेक्स की तरफ, ये हमारा ज्योग्राफिकल पार्ट था, अब लेक्स की बात करें तो आपको दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैं एक सीरीज़ चल रही है मेरी लेक्स के ऊपर ही, जिसमें मैं उनकी ट्रिक्स बता रहा हूँ, ट्रिक्स के थ्रू उन्हें याद करवा रहा हूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ उन्हें देखना मत भूलिएगा। अभी तक मैं मंडी की, चंबा की, कुल्लू और लाहौल स्पीति इन चार डिस्ट्रिक्ट की वहाँ कवर करवा चुका हूँ, तो प्लीज़ उन्हें मिस मत बिल्कुल ना कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ मैं वन लाइनर आपके लिए ले गया हूँ, जो वन लाइनर क्वेश्चंस आपके लेक से बनते हैं। सबसे पहले आएगी हमारी गोविंद सागर लेक।
गोविंद सागर लेक की बात करें तो ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है हिमाचल प्रदेश की। जो हमारा वर्ल्ड फेमस भागड़ा डैम है जो सतलुज रिवर पर बना है, वो कहाँ पर है? गोविंद सागर लेक पर ही है। ये हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है वर्ल्ड का, जिसमें 168 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया कवर करता है। कंट्री का लार्जेस्ट फिशिंग पॉइंट है यहाँ, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया भी कहा था। तो इससे बहुत से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं कि ये कौन सी लेक है गोविंद सागर लेक, भागड़ा डैम कहाँ सिचुएटेड है ऑन रिवर सतलुज और गोविंद सागर लेक पे, कौन सी रिवर पे? तो सतलुज रिवर। बाकी लेक पूछे तो गोविंद सागर। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, तो एरिया भी आपको पता होना चाहिए 168 स्क्वायर किलोमीटर। लार्जेस्ट फिश पोर्टिंग पॉइंट तो है ही है, बाकी जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या कहा था? न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। तो ये डिटेल्स आपने याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। खजियार लेक, वो गोविंद सागर लेक आपकी बिलासपुर में थी, ये भी मैं आपको बता दूं। खजियार लेक ये हमारी चंबा में है, कहाँ है? चंबा में। ये टेंपल डेडिकेट किया गया है खजियार नाग को, वहाँ टेंपल जो वहाँ देवता जी है। 24 किलोमीटर अवे है ये डलहौजी से, इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा गया है। किसके द्वारा? स्विट्जरलैंड के थे विली पी ब्लेजर, उन्होंने इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा था खजियार लेक को 7 जुलाई 1992 को। तो ये डेट भी याद रखिएगा, HS के एग्ज़ाम में ये पूछी गई थी। तो 7 जुलाई 1992 को उन्होंने इसे मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया था, और ये हमारा 160th टूरिस्ट स्पॉट है इन द वर्ल्ड में। ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका क्या रैंक है? 160। तो डैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में अब क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा वो ज़रूर पूछेंगे। और मैं हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए यहाँ कवर करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लामा डल लेक की बात करें तो लामा डल लेक हमारी चंबा में है, ये भी। ये इनर स्लोप ऑफ धौलाधार रेंज, इनर स्लोप्स में है धौलाधार रेंज के। ये 7 लेक्स का समूह है, ग्रुप है, जिसमें से लामा डल लेक है सबसे, इन्हीं 7ों में सबसे बड़ी है लामा डल लेक। जो हमारे गद्दी ट्राइब है वो जन्माष्टमी में जाते हैं लामा डल लेक के पास, वहाँ पूजा करते हैं, विजिट करते हैं जन्माष्टमी वाले दिन, लामा डल लेक की ओर जाते हैं और पूजा करते हैं। अगली की बात करें तो अगली क्या है हमारी? डल लेक। डल लेक क्या है? ये हमारी कांगड़ा में है, वो हमारी चंबा में थी, ये हमारी कांगड़ा में। ये ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। जन्माष्टमी के 15 दिन बाद यहाँ एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है राधा अष्टमी। कौन सा फेस्टिवल है? राधा अष्टमी। वहाँ था वो जन्माष्टमी, वो भी मनाते थे लामा डल लेक वाले, लेकिन वो वहाँ फेयर नहीं था। फेयर कहाँ है? डल लेक में, जहाँ 15 दिन बाद जन्माष्टमी में राधा अष्टमी फेस्टिवल मनाया जाता है, फेयर मनाया जाता है। और इस लेक को कौन सी लेक भी कहा जाता है? भक्सुनाग लेक। कौन सी लेक कहा जाता है? भक्सुनाग। तो यहाँ क्वेश्चंस कुछ बन सकते हैं कि भक्सुनाग लेक कहाँ है, ऑप्शन में आपके आ सकता है कि डल लेक या लामा डल लेक। तो आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, ये दोनों सेम लेक्स नहीं है, अलग अलग है, बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा। रिवालसर लेक, रिवालसर लेक ये हमारी मंडी में है। कहाँ है ये हमारी? मंडी में। इसे फ्लोटिंग आइलैंड भी कहा जाता है, इसे पद्माकन भी कहा गया है, आल्सो नोन एज पद्माकन, जिसका मीनिंग होता है लोटस पोसेसिंग। पद्माकन मतलब जहाँ स्पिरिट ऑफ पद्मा संभव रेस्ट, कहा जाता है कि जो स्पिरिट है पद्मा संभव की इज इन रेस्ट, यहाँ रेस्ट पर रहती है पद्माकन, ये इसे प्रेफर करता है कुछ ऐसा कहा जाता है, बाकी पता नहीं। नाको लेक, नाको लेक हमारी कहाँ है? नाको लेक है हमारी किन्नौर में। कहाँ है? किन्नौर। यहाँ एक और है सोरंग लेक। नाको लेक की बात करिए, स्केटिंग के लिए हमारी फेमस है नाको लेक। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, हमारे लिए हर एक डिटेल जानना ज़रूरी है। चंद्रनाहन लेक, ये हमारी शिमला में है। कहाँ पर है? शिमला में। ये चांसल पीक से सिचुएट करती है, वहाँ चांसल पीक से सिचुएटेड है ये। पब्बर रिवर ऑर्गेनेट होती है इस लेक से, चंद्रनाहन लेक से। कौन सी? पब्बर रिवर। तो आप पूछ सकते हैं चंद्रनाहन लेक से कौन सी रिवर, मतलब किस रिवर को पानी प्रोवाइड करती है, तो वो है हमारी पब्बर रिवर, और ये चांसल पीक से निकलती है, सिचुएट करती है। रेणुका लेक, डेट इज़ इन सिरमौर। रेणुका लेक हमारी सिरमौर में है। ये लेक फाउंड वैन रेणुका, जो रेणुका है, इन्होंने सेक्रीफाइस किया था परशुराम का इन द ओबिडेंस टू हिज फादर, जिनका नाम था सेज जमदाग्नि, उनके लिए सेक्रीफाइस किया था परशुराम को उन्होंने। ये कहाँ पर है? ददाहू में। कहाँ है? ददाहू। तो ये भी इम्पोर्टेंट लोकेशन है, आपको ध्यान रखना है कि रेणुका लेक कहाँ पर है? ददाहू में। पूछ सकते हैं। चंद्रताल लेक, चंद्रताल लेक को लेक ऑफ मून भी कहा जाता है, ये हमारी लाहौल स्पीति में है। सूरजताल भी यहीं पर है हमारी। चाइनीज़ पिलग्रीम थे हमारे ह्यूनत्सांग, ये हमारे हर्षवर्धन के टाइम में आए थे 6th सेंचुरी में, इन्होंने चंद्रताल लेक को लोहित्य सरोवर भी कहा है। पोंग लेक की बात करें
तो पोंगले क्या है, पोंगले को सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया है 1983 में, कर दिया था सेंचुरी डिक्लेयर। और ये एकलौता प्लेस ऐसा है, एकलौता नहीं मतलब राजस्थान में एक भरतपुर जगह है, उसके अलावा छोड़कर पोंग लेक एक ऐसी जगह है जहाँ पर रेड नेक्ड ग्रेव पाए जाते हैं। तो ये था दोस्तों आज की इम्पोर्टेंट वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में, जो भी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स है, अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, उन्हें भी हमारे इस चैनल से ज़रूर जोड़िए। ये सीरीज़ चलती रहेगी, 1-2 दिन में इसकी वीडियो आती रहेगी और सारे टॉपिक्स आपको इसमें कवर्स करवा दिए जाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।